हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम्स में तो 40% तक बुकें पूछी जाती है प्री में और मेंस में, यानी टीयर वन एंड टीयर टू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वोकैब याद करने में। अब देखिए, वोकैब आपको कौन सी याद करनी है? वोकैब आपको याद करनी है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जो कि एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जाम्स हों, एसएससी के एग्जाम्स हों, एनडीए, सीडीएस, मैट या कैट के एग्जाम्स हों। ये जो वर्ड्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स जिनको मैं कहता हूँ, ये रिपीट होते रहते हैं और सभी सेक्शंस में, इंग्लिश के सभी सेक्शंस में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे आरसी हो, चाहे वोकैब हो, चाहे क्लोजेस्ट हो, चाहे पैराजम्बल हो, ये वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो इन वर्ड्स को बहुत ही मेहनत से मैंने कंपाइल किया है और ये ई बुक्स मैंने क्रिएट किए। हालांकि ये ई बुक्स पहले पेड ई बुक्स थी, अब मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं। फ्री में आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, जिसका नाम है englishiq.in। यहाँ पर आपको जाना है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये एक ई बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे 2,500 वर्ड्स की ई बुक्स हैं, लेकिन कई सारी ई बुक्स हैं। एक ई बुक 1,000 वर्ड्स की है, एक 750 वर्ड्स की है, एक 300 वर्ड्स की है। इस तरीके कई सारी ई बुक्स हैं। ये सारी ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूर करें, इनसे पढ़ें। देखिए, इनसे पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको सिलेक्टेड वर्ड्स मिलेंगे जो कि सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, प्लस यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो एक कलरफुल तरीके से मैंने इन वर्ड्स को अरेंज किया गया किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एविरेशन एक वर्ड दिया है, और एबिरेशन का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिविएशन। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी मैंने दिया है। तो इस तरीके से इनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने हिंदी में भी दिए हैं, पिक्चर्स भी यहाँ पर मैंने दी हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, निमोनिक ट्रिक्स मैंने यहाँ पर दी हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने टेबल्स बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी टेबल्स हैं, तो उनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एब्सकॉन्ड, ये वर्ड देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी बार पूछा गया एग्जाम्स में। और फ्ली इसका सिनोनिम होगा, और यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन इसका मीनिंगफुल एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने दिया है। नीचे मैं पूरा बताऊंगा इसको, पूरे वीडियो क्लास को एंड तक देखिए। देखिए, सारे वर्ड्स इसमें हाईली हाईली यूजफुल वर्ड्स हैं, और इससे जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये वर्ड्स याद हो जाएंगे। रिवीजन के लिए रिवाइज टू रिमेंबर, यहाँ पर आप सारे वर्ड्स पढ़ेंगे ऊपर, और यहाँ पर इनको आप रिवाइज करेंगे कि एविएशन का मतलब क्या है, एवियंस का मतलब क्या है, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है। हाईली यूजफुल वर्ड्स हैं, मैं नीचे आपको और बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे ऑब्लिवियस एक वर्ड है, अब इसमें से ये जरूरी नहीं है कि इनकॉग्निजेंट ही इसका सिनोनिम में, सिनोनिम ऑप्शन में पूछा जाए। कोई से भी सिनोनिम में, कोई से भी ऑप्शन ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम में इग्नोरेंट भी दिया जा सकता है, हीडलेस भी दिया जा सकता है, अनअवेयर भी दिया जा सकता है। तो सारे सिनोनिम्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, और ये हैं इसके एंटोनिम्स, ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से मैंने इसको पूरा अरेंज किया है। रिकैपिचुलेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है समराइज करना, या सम अप करना, या रन थ्रू करना, या रिकैप करना। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। रिकैपिचुलेट का मतलब सम अप होता है, कैपिचुलेट का मतलब सरेंडर होता है। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। यहाँ पर दिया है ये एग्जाम्पल सेंटेंस इसका, ये देखिए कितने सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं। और इन वर्ड्स को याद करना कठिन नहीं है, जब आप बार बार इन ई बुक्स को पढ़ेंगे या खोल के देखेंगे अपनी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में, तो आराम से आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। डेस्टिट्यूट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ पर मैंने सुनो इडियम्स भी दिए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ऑन द ब्रेड लाइन, ठीक है, ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। सॉल्वेंट इसका एंटोनिम होगा। तो इन ई बुक्स को आप जरूर डाउनलोड करें, इनसे पढ़ें, डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी ई बुक्स आप डाउनलोड करें। एक ई बुक्स में 1,000 वर्ड है, एक में 750 वर्ड है, एक में 300 वर्ड है। एक दो यहाँ पर ई बुक्स आपको जीके की भी मिल जाएंगी, तो उनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट पर आपको आना है, ये है वेबसाइट, यहाँ से आप सारी ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारी ई बुक्स हैं, यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और वोकेबलरी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो वोकेबलरी की एक सीरीज़ भी यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, जिसके 3 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो उन सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरी वोकेबलरी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे एसएससी के सभी एग्जाम्स होने वाले हैं, दिसंबर में एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, तो इनको आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इनसे इंग्लिश सेक्शन में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यदि इंग्लिश सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है। क्योंकि इंग्लिश सेक्शन में देखिए, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, या फिर पैराजम्बल हो,
वोकैबलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग है तो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, इन सभी को आप आराम से कर सकते हैं और इंग्लिश सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ये 300 प्लस जीके क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर अपलोड किए, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये जीएसटी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी सीजीएल के ये क्वेश्चंस हैं 2017 के, पूरा पीडीएफ यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. ये 1000 वर्ड्स का ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है. तो ये देखिए, एक 800 वर्ड का एक ये ई बुक है, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं. और जो लेटेस्ट वर्ड हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे अभी जो फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं 2019-20 के बैंकिंग के, एसएससी के, वहाँ पर ये वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. ये लेटेस्ट वर्ड्स हैं, 45 लेटेस्ट वर्ड्स, 50 लेटेस्ट वर्ड्स, इनको भी आप ज़रूर डाउनलोड करें. और इस साइट पर आके इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो कोर्सेज डालता रहता हूँ और काफ़ी सारा इंग्लिश सेक्शन का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा. तो उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और सारी ये जो पोस्ट हैं इनको आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो. यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट खुल जाएगी और शेयर बटन से आप इनको शेयर आप ज़रूर करें, डेफिनेटली इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा. तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.